गुड मॉर्निंग क्लास 5, आई एम योर साइंस टीचर श्रेया। दिस इज वीडियो नंबर 17। लास्ट वीडियो में हमने आपको बैकबोन तक पढ़ा दिया था बच्चों, तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं। रिब केज। जो रिब्स होता है वो हमारे चेस्ट के चारों तरफ हड्डियों का एक केज बनाता है, जिसे हम लोग रिब केज कहते हैं। ओके, और ये रिब केज 12 हड्डियों के पेयर से बना हुआ होता है और ये हमारे बैकबोन से ज्वाइन रहता है, लेकिन 12 में से सिर्फ 10 पेयर ही हमारे बैकबोन से ज्वाइन रहते हैं, बाकी के जो दो होते हैं, दो पेयर्स, वो फ्री रहते हैं। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, ये देखिए, आप लोग काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 है। इसके नीचे जो 1 और 2 और है ना, ये दोनों आगे आके नहीं जुड़े हैं, ये सब पीछे से आगे आके ज्वाइंड है ना। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ कि 10 रिब्स हमारे बैक में ज्वाइन रहती हैं, लेकिन जो नीचे के दो हैं ये ज्वाइन नहीं रहती हैं, ये फ्री रहती हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द बोन इन द मिडल ऑफ द रिब केज इज कॉल्ड द स्टर्नम। द लॉन्ग कर्व्ड बोन्स अटैच्ड टू इट आर कॉल्ड द रिब्स। द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर ओनली जॉइंट टू द बैक बोन। रिब केज की जो बीच की बोन्स होती है वो स्टर्नम कहलाती है, और जो लॉन्ग कर्व्ड बोन्स होती है जो हमारे बैक बोन से जाके अटैच्ड रहती है, वो रिब्स कहलाती है। और लास्ट के जो टू पेयर्स होते हैं रिब्स के, वो सिर्फ हमारे बैक बोन से ज्वाइन रहते हैं, आगे साइड नहीं ज्वाइन रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको अपने स्ट्रक्चर में दिखाया था। अब ये समझ लीजिए, जो मैंने आपको बताया है, ये जो यहाँ से गई है ना बच्चों, ये वाली ये हम लोग की मिडल बोन है। ओके, और जो यहाँ से होके पीछे साइड गई है ना, वो हम लोग की लॉन्ग कर्व्ड बोन है, जिसे हम लोग रिब्स कहते हैं। ओके, जो पीछे साइड ऐसे टर्न होके गई है वो रिब्स है, और जो आगे साइड है वो हम लोग के स्टर्नम है, और ये जो बाकी है ये सिर्फ बैक बोन से जुड़ी हुई होती है। ओके, ये आगे साइड नहीं ज्वाइंट होती है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। लिम। वी हैव टू पेयर्स ऑफ लिम। पहला है द फोर लिम्स आर्म्स एंड सेकेंड द हाइंड लिम्स लेग्स। फोर लिम्स को हम लोग अपना आर्म कह सकते हैं और हाइंड लिम्स को हम लोग अपनी लेग्स कहते हैं, ठीक है। दस द आर्म्स एंड लेग्स आर नोन एज लिम्स। द अपर आर्म हैज ओनली वन लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस। द लोअर आर्म हैज टू बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। इट हैज अ रिस्ट बोन एंड मेनी स्मॉलर बोन्स ऑफ द फिंगर्स। द अपर आर्म जॉइंस द लोअर आर्म्स एट द एल्बो। हमारे जो आर्म्स हैं और जो लेग्स हैं वो लिम्स के नाम से जाने जाते हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हैं कि उन्हें लिम्स कहा जाता है। ओके, हमारा जो अपर आर्म होता है उसमें बस एक ही बड़ी हड्डी होती है, जिसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये हम लोग का अपर आर्म है, इसकी जो ये बोन है इसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। ओके, द लोअर आर्म्स हैज टू बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। और जो हम लोग का लोअर आर्म्स होता है उसमें दो बोन्स होती है, रेडियस एंड अल्ना। आप लोग ये देख सकते हैं, जो हम लोग का लोअर आर्म है उसमें दो बोन्स है, एक रेडियस दूसरा अल्ना। और इसी में कलाई की हड्डियां भी और हमारी उंगलियों की छोटी छोटी हड्डियां भी होती हैं। हम लोग का जो अपर आर्म होता है आप देख सकते हैं डायग्राम में, और जो लोअर आर्म है ये वो एल्बो के जरिए जुड़ा हुआ रहता है। ओके, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द बोन ऑफ द थाई इज कॉल्ड द फीमर और थाई बोन। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। द लोअर लेग हैज टू बोन्स दैट आर टिबिया एंड फेबुला। द एंकल बोन एंड द मेनी स्मॉलर बोन्स ऑफ टोज। द लेग बोन्स आर वेरी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग टू सपोर्ट द वेट ऑफ योर बॉडी। ईच टो हैज थ्री टेनी बोन्स एक्सेप्ट फॉर योर बिग टॉय विच सॉरी टो विच हैज जस्ट टू।
द टोटल बोन्स इन बोथ फीट एंड एंकल आर 52। हमारे थाई की जो हड्डी होती है उसे हम लोग फीमर या फिर थाई बोन कह सकते हैं और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ओके, और जो हमारी लोअर लेग है उसमें दो हड्डियां हैं जिसे हम लोग टीबिया एंड फिबुला नाम से जानते हैं। आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, इसमें दो हड्डियां हैं, एक हो गया फिबुला एंड टीबिया। और इसी लोअर लेग में एंकल की इट मीन्स एड़ी की और टो की छोटी छोटी हड्डियां भी जुड़ी हुई होती हैं। हमारी जो लेग बोन्स होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं क्योंकि ये हमारे शरीर का पूरा वेट उठाती हैं। सभी टो के पास 3 टाइनी बोन्स होती हैं, इट मीन्स छोटी हड्डियां होती हैं, लेकिन बिग टो को छोड़कर मतलब अंगूठे को छोड़कर उसके पास बस दो हड्डियां होती हैं। हमारे दोनों पैर और एड़ियों को मिलाकर 52 हड्डियां होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टिल देन बाय बाय।